हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन में जो वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है फॉर द स्टार कनेक्शन एज वेल एज द फॉर डेल्टा कनेक्शन, ये क्या है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तुम्हारा जो FEEE सेकेंड सेमिस्टर का जो FEEE सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके, उसी का ही एक पोर्शन है, दैट इज द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखेंगे ये स्टार डेल्टा कनेक्शन होता क्या है। ओके, तो अब तक हम लोग क्या जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। दो रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्टेड रहेगा तो कैसे रहेगा, ऐसे। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो कैसे रहेगा, ऐसे। ओके, दिस वन इज योर सीरीज कनेक्शन, दिस वन इज योर पैरेलल कनेक्शन। अब अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, और भी दो कनेक्शंस है, दैट इज द स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। ओके, अब ये जो दो रेजिस्टेंस है ना, ये दो यहाँ पे अटैच्ड है। अब इसको अगर हम लोग खोल देंगे और एक रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा स्टार कनेक्शन। कैसे, देखो। तो पहले हम लोग स्टार कनेक्शन डिस्कस करते हैं, स्टार कनेक्शन। ओके, दिस वन इज योर स्टार कनेक्शन, R1, R2, R3, क्लियर। अब ये तीन रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट में कनेक्टेड है, एक कॉमन पॉइंट में कनेक्टेड है, ठीक है। और जो आइदर पॉइंट है रेजिस्टेंस का, वो देखो ओपन है, वहाँ पे सप्लाई हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पैरेलल जो कनेक्शन है, इससे इसका सिमिलरिटी क्या है, अगर हम लोग ये तीन पॉइंट को इधर ले जाके एक जगह हम लोग अटैच कर देंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा विद द थ्री रेजिस्टेंस, ठीक है। थ्री रेजिस्टेंस से जो पैरेलल कनेक्शन बनता है वो बन जाएगा ये। अगर इसी पैरेलल कनेक्शन का ये पॉइंट हम लोग खोल देंगे, ऐसे करके खोल देंगे, तो ये बन जाएगा स्टार कनेक्शन। ओके, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस ऐसे करके कनेक्टेड होता है, जहां पे ये क्या है, उसी का तीन रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट है, और आइदर पॉइंट जो है, दूसरा जो पॉइंट है वो खुला रहता है, ठीक है, ओपन रहता है, वहां पे हम लोग सप्लाई डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ टर्म है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे तीन फेज है। फेज मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एसी में फेज क्या होता है, तीन लाइन जो होता है, हमारा घर का जो कनेक्शन है, दैट इज सिंगल फेज, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जो निकलता है वो क्या है, थ्री फेज, मतलब तीन वायर्स निकलता है आउटपुट से, उसमें से एक वायर हमारे घर में आता है, ठीक है। सो दिस वन इज योर थ्री फेज, ओके, तीन फेज है। अब देखो ये क्या है, सो दिस वन इज योर आर वाई एंड बी, ओके। सो यहाँ पे फेज और हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, ओके, फेज और लाइन, और लाइन, ठीक है। तो देखो एक फेज से जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज योर फेज करंट और लाइन करंट, रदर से लाइन करंट, ओके। फेज मतलब क्या है, ये फेज है, ठीक है, और लाइन क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये दूसरा एक लाइन है, ठीक है। फेज और लाइन के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज योर लाइन करंट, ठीक है, और एक फेज के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज योर फेज करंट, राइट। सो दिस वन इज योर लाइन करंट, दिस वन ऑल्सो इज योर लाइन करंट एंड लाइन करंट, ओके। सो यहाँ पे क्या है, फेज करंट एंड तीन फेज करंट है। अब देखो क्या है, यहाँ पे फॉर द स्टार कनेक्शन आई एल इक्वल्स टू आई फेज, जब मतलब क्या है, लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है उस वो लाइन ही क्या है, फेज के थ्रू फ्लो हो रहा है, ये एक आर वन रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, सो दैट्स वाई फेज करंट इक्वल्स टू लाइन करंट, और यू कैन से लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट, मतलब लाइन में एक लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट क्या है, हर एक फेज में फ्लो रहा है। देखो यहाँ में फेज में फ्लो रहा है, देखो यहाँ पे वाई फेज से जो वाई लाइन से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, इसी आर टू से फ्लो हो रहा है, सो दैट आई एल और लाइन करंट इक्वल्स टू द फेज करंट, क्लियर। नेक्स्ट इज द दोनों फेज के बीच में, दोनों लाइन के बीच में जो वोल्टेज होता है, दैट इज योर लाइन वोल्टेज, ये तीन लाइन है, लाइन वोल्टेज। अब दोन एक फेज के बीच में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है, दैट इज योर फेज वोल्टेज, मतलब क्या है, वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई, दैट इज योर लाइन वोल्टेज, एंड वोल्टेज अक्रॉस द फेज वन और अक्रॉस द आर वन इज इक्वल्स टू योर फेज वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फेज वोल्टेज देखो लाइन वोल्टेज से कम है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू वी एल बाई रूट थ्री,
और वी कैन से VL इक्वल्स टू रूट थ्री वी फेज। क्लियर? तो फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज को अगर हम लोग रूट थ्री से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, फेज वोल्टेज। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज। क्लियर? सो दिस इज द वोल्टेज करेंट, तुम्हारा जो सिलेबस में है वोल्टेज करेंट रिलेशनशिप ऑफ ए स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। सो दिस वन इज योर वोल्टेज करेंट रिलेशनशिप ऑफ ए स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार में क्या है, लाइन करेंट इक्वल्स टू फेज करेंट। अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो ये रिलेशनशिप भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन करेंट इक्वल्स टू फेज करेंट क्योंकि सेम ही करेंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज। मतलब क्या, रूट थ्री, फेज वोल्टेज क्या है, छोटा है, उसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लाइन वोल्टेज आएगा। सो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल्स टू VL और लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई रूट थ्री। क्लियर? सो दिस इज द स्टार कनेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है। सो नेक्स्ट वन इज द डेल्टा कनेक्शन। ओके, डेल्टा कनेक्शन नेक्स्ट वन इज द यूजर डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे दिखता है, देखो अगर तीन रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है R1, R2, R3 तो इसे हम लोग कहते हैं कि डेल्टा कनेक्शन। अब ये डेल्टा कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन से थोड़ा सिमिलरिटी है क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है इसको अगर हम लोग डिस्कनेक्ट करके, इसको हम लोग छोड़ के अगर हम लोग इसे स्ट्रेच कर देंगे तो तीन रेजिस्टेंस अगर हम लोग सीरीज में जो है वो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस का ये जो दो ओपन पॉइंट है इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, सो ये सिमिलरिटी है सीरीज कनेक्शन से। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो तीन पॉइंट है, यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। इस तरह से कनेक्टेड रहने से हम लोग डेल्टा कनेक्शन से कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आर वाई बी। सो दो आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज योर लाइन वोल्टेज। अब ये आर वन के अक्रॉस में जो वोल्टेज है दैट इज योर फेज वोल्टेज। सो यहाँ पे क्या है, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज और यू कैन से फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज। देखो यहाँ पे आर वन के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही क्या है, आर वाई बीच में, आर वाई के बीच में वोल्टेज है। सो वी एल इक्वल्स टू वी फेज, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है लाइन करेंट और ये क्या है फेज करेंट। तो लाइन करेंट यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो फेज करेंट इक्वल्स टू लाइन करेंट इंटू रूट थ्री क्योंकि लाइन करंट क्या है, छोटा है, फेज करंट क्या है, छोटा है लाइन करंट से। सो अगर लाइन करंट को रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फेज करंट। सो सिमिलरली लाइन करंट इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू आई फेज। ओके, सो दिस इज द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ योर डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में वी एल इक्वल्स टू वी फेज होता है और स्टार कनेक्शन में आई एल इक्वल्स टू आई फेज होता है। डेल्टा कनेक्शन में आई फेज इक्वल्स टू आई एल बाई रूट थ्री होता है और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, वी फेज इक्वल्स टू वी एल बाई रूट थ्री होता है। ये थोड़ा डिफरेंस है पर अगर तुम लोग जो डायग्राम है उसको याद रखोगे और किसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं किसको फेज वोल्टेज बोलते हैं ये तुम लोग याद रखोगे तो ये जो रिलेशनशिप है तुम खुद ही डिराइव कर सकते हो। ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर ये जो डायग्राम है ये याद रखना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हम लोग क्या देखें कि डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं और उन दोनों के बीच में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर द स्टार कनेक्शन एज वेल एज फॉर द डेल्टा कनेक्शन। राइट, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।